किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि धन सीड्स कंपनी का मोटा धान है सिल्की 277, जो एक संशोधित किस्म है। यह कृषि से संबंधित दुकानों पर 100 रुपये प्रति किलो की दर से मिल जाता है। यह लगभग 125 दिन की अवधि में पक कर कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इस समय इस वीडियो के माध्यम से जिस धान की फसल को आप देख रहे हैं, यह सिल्की की ही फसल है, जिसे देखकर भी इसके अच्छाई बुराई का पता लगा सकते हैं। यह मोटे धान की बढ़िया पैदावारी देता है। पिछले वर्ष ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसमें फर्रा की शिकायत ज़्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से अन्य धान की ही तरह इसकी भी पैदावारी प्रभावित हुई। कुछ लोगों का कहना है कि सिल्की प्रति एकड़ 45 से 50 कुंतल तक मोटे धान की पैदावारी देता है। यह कितना सही है, इसके बारे में सिल्की की खेती करने वाले किसान खुद बता सकते हैं। सिल्की मोटे धान की बढ़िया संशोधित किस्म है। इसकी बाली कोई बहुत लंबी नहीं होती है, लेकिन इसके दाने जो होते हैं काफ़ी वजनदार होते हैं। इसके हर पौधे से कलों का फुटाव ज़्यादा होता है। संख्या स्तर पर बात करें तो इसके हर पौधे से 20 से 25 कल्ले जरूर मिल जाते हैं। किसी किसी पौधे में तो 50 कल्ले तक भी आ जाते हैं। अधिक कलों के फुटाव के कारण इसकी फसल से ज़्यादा बालियाँ मिलती हैं। ज़्यादा बालियाँ और वजनदार दानों की वजह से ज़्यादा पैदावार देता है। इसकी खेती करने वाले किसान बताते हैं कि इसमें खाद की मात्रा कम डालने पर भी सिल्की की फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। सिल्की के पौधे की हाइट भी लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। पौधा मध्यम लंबाई का और तने का मजबूत होने के कारण सिल्की की फसल विपरीत मौसम होने पर भी गिरती नहीं है। पैदावारी के बारे में किसानों का कहना है, इससे सामान्य तौर पर 27 से 28 कुंतल प्रति एकड़ तक मोटे धान की पैदावारी मिल जाती है। बहुत अच्छी फसल होने पर हो सकता है कि 30 से 35 कुंतल तक की पैदावारी मिल जाए, लेकिन सिल्की से 45 से 50 कुंतल प्रति एकड़ पैदावारी मिलना असंभव है। इससे सामान्य तौर पर 27 से 28 कुंतल तक पैदावारी मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। इससे अधिक की पैदावारी की उम्मीद सिल्की से नहीं रखनी चाहिए। किसान भाइयों, सिल्की का जो दाना होता है वह मध्यम लंबाई का काफ़ी मोटा होता है। इसके दाने की तुलना हम देसी धान 57 से कर सकते हैं। इसे बाज़ार में या लेवी पर बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। यह वाकई में मोटे धान की बढ़िया किस्म है। केवल 125 दिन में तैयार होने के कारण यह उन किसानों के लिए बढ़िया किस्म है जिनका खेत ऊंचाई पर है या जहां बारिश कम होती है, या धान की कटाई करके सब्जी वर्गी जैसे गोभी, मटर, बीन्स, गाजर, पालक आदि की खेती करनी हो। किसान भाइयों, यदि आपके पास सिल्की के बारे में कोई जानकारी या सुझाव हो तो उसके बारे में कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।